मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज है 10 दिसंबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि मार्ग शीर्ष माह की दवा दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के 3 राज्य झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के 10 ठिकानों से आयकर विभाग को शनिवार तक 300 करोड़ से ज्यादा का केस मिल चुका है। दरअसल टैक्स चोरी के मामलों में इनके घर, ऑफिस और फैक्ट्री में बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। धीरज झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक यह किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। आयकर विभाग को यह केस ओडिशा के टीटलागढ़, बोलीगिर और संबलपुर स्थित ठिकानों से मिला है। शनिवार 8 दिसंबर को नोट गिनने के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीनें लगाई गई, लेकिन नोटों की गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है नोटों की मात्रा इतनी ज्यादा है, अभी गिनती में 2 दिन और लगेंगे। और तो और नोट भरते समय बैग भी कम पड़ गए, इसलिए इन नोटों को बोरियों में भरना पड़ा। धीरज साहू कांग्रेस के पुराने नेता है, वहीं बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है। साजिशकर्ताओं में शामिल रामवीर पुत्र सतवीर को जयपुर पुलिस ने शनिवार को उसी के गाँव से गिरफ्तार किया है। वह महेंद्रगढ़ हरियाणा के सतनाली इलाके के सुरैती पिलानिया का रहने वाला है। रामवीर शूटर नितिन फौजी का दोस्त है। अच्छा, इस वक्त एक और बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस ने करणी सेना अध्यक्ष हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है ये। आरोपी रामवीर को हरियाणा से गिरफ्तार किया है, वहीं रोहित राठौड़ और नितिन को चंडीगढ़ से अरेस्ट किया है। रोहित नितिन के साथ एक और व्यक्ति है जिसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तीनों चंडीगढ़ में सेक्टर 22 ए के एक होटल में छिपे थे। न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से यह बड़ी जानकारी दी है। दरअसल पहले बदमाश जयपुर से डीडवाना आए, फिर सुजानगढ़, उसके बाद ये दिल्ली चले गए और दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गए। बड़ी खबर यह है, दोनों आरोपी पकड़े गए हैं और समाज की मांग है कि दोनों का एनकाउंटर हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक अब गहमा गहमी तेज हो गई है। हालांकि बड़ी खबर आपको दे दूं, भाजपा के विधायक दल की बैठक आज नहीं बल्कि कल सोमवार को होगी, लेकिन इस बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कई विधायकों से बातचीत की है और कई विधायकों से आज बातचीत करेंगे। इससे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए बड़ी खबर तो यह है, विधायक दल की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य पर्यवेक्षक रविवार को यानी कि आज जयपुर पहुंच जाएंगे और अगले दिन यह पर्यवेक्षक यहीं पर रहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर यह भी है, महंत बालकनाथ ने अपने सीएम बनने को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मेरे बारे में लगाए जा रहे कयासों को नजरअंदाज करें, मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। आगे बढ़ेंगे, अशोक गहलोत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी को लेकर बड़ा निशाना साधा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस 5-6 दिन मुख्यमंत्री का फैसला नहीं कर पाती तो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते, आपस में फूट है, झगड़ा है। मीडिया से अशोक गहलोत ने कहा कि अब आप इनको पूछो कि क्या हुआ, आपके पास क्या है, आज 6 दिन हो गए, मुख्यमंत्री का फैसला क्यों नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर से करीब 30 किलोमीटर दूर काक नदी से लगते किनारे की पहाड़ियों में आदि मानव के प्रमाण मिले हैं। यहां हथियार और औजार मिले हैं जो करीब 5 लाख साल पुराने हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी और स्क्रैपर आदि मिलने का अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी कि आदि मानव सभ्यता के विकास कर्म में भी जैसलमेर मौजूद रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान समेत उत्तर भारत में फिलहाल मौसम एक समान बना हुआ है, सुबह शाम ठंड है, दोपहर में ठंड से राहत है। बड़ी अपडेट ये है, 11 और 12 दिसंबर से एक कम प्रभाव वाला यानी कि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। हालांकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका असर राजस्थान में तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन जो उत्तरी भारत के राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, यहां पर इस सिस्टम की वजह से बर्फबारी होगी। जब यह नया तंत्र आगे बढ़ जाएगा उसके बाद 15 या 16 तारीख को उत्तरी हवाएं शुरू होगी। ये बर्फीली हवाएं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। इन हवाओं की वजह से तापमान अचानक नीचे आएंगे और प्रचंड ठंड की
शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी जान से मारने की धमकी मिली है। और बड़ी बात यह है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्हें ईमेल आया। आरोपी ने इनसे 10 लाख रुपए की मांग की। हालांकि इस धमकी के कुछ ही देर बाद छतरपुर जिले की बमीठा पुलिस ने आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी इसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की। आरोपी को शनिवार को राजनगर कोर्ट में भी पेश किया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजनीति में चुनाव के समय नेता अक्सर विवादित बयानबाजी करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी नेता अब एक दूसरे के परिवारों के चरित्र को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेता रिछपाल मिर्धा ने अजय सिंह किल्लक को लेकर टिप्पणी की है। रिछपाल मिर्धा ने सारी हदें पार कर दी है। अगर आपने अभी तक भाषण नहीं सुना है तो अच्छी बात है, अगर भाषण सुनना चाहते हैं तो कानों में ईयरफोन जरूर डाल के सुनिएगा, यानी कि सारी से सारी हदें पार। यही थी देश और प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।